हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. माय नेम इज पटेल भूमि. आई एम वर्किंग इन किंडर स्पोर्ट्स एज अ खो खो ट्रेनर इन एनएस पटेल प्राइमरी स्कूल चाणसमा. टुडेज अवर एक्टिविटी इज पोल टर्निंग. ओके, तो अभी हम एक्टिविटी पर जाने से पहले वार्म अप के बारे में जानते हैं. तो वार्म अप करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जो भी एक्टिविटी करने वाले हैं उसमें हमारे जो भी मसल्स यूज होने वाले हैं तो हमें उसको रेडी करना पड़ेगा. तो वार्म अप करने से हमारे जो भी बॉडी मसल्स है वो रेडी होते हैं और हम जो भी एक्टिविटी करने वाले हैं उसके दरमियान हमें इंजरी होने के चांसेस कम होते हैं. तो एक्टिविटी से पहले वार्म अप करना ज़रूरी होता है. ओके, तो अभी हम एक्टिविटी पे जाते हैं. तो आज की जो हमारी एक्टिविटी है वो है पोल टर्निंग. तो पोल टर्निंग के लिए सबसे पहले हम पोल को कैसे पकड़ना है वो हम सीखते हैं. तो पोल को कैसे पकड़ना है, तो सबसे पहले हम जब भी पोल के पास जाते हैं तो हमारा जो दोनों हाथ है वो ऐसे क्रॉस में आना चाहिए. अगर हम ऐसे पकड़ेंगे तो ऐसे छूटने के चांसेस है और हम ऐसे पकड़ेंगे तब भी हमारा एक हाथ ऐसे छूट जाएगा. तो हमें जब भी पोल पकड़ते हैं तो याद रखना है कि हमें ये पोल ऐसे पकड़ना है ताकि हम इसके सपोर्ट से घूम सकें. तो अभी हम पोल टर्न कैसे करना है वो देखते हैं. तो सबसे पहले हम जो भी जगह पे खड़े हैं तो हमें जाना है पोल की साइड. तो हम जो दिशा में जाएंगे सबसे पहले वो पैर निकालेंगे ताकि हमें पोल के पास जाएंगे तो हमारा जो पोल के बाजू वाला पैर है वो पोल के पास आए. तो कैसे जाना है वो देखते हैं. सबसे पहले हम जो भी दिशा में जाते हैं वो सबसे पहले वो पैर निकालेंगे, फिर दूसरा और हमारा जो ये तीसरा पैर स्टेप है वो हमें पोल के पास रखना है और पोल के पास से फिर इनको टो पे टर्न करना है. एक बार फिर से देखते हैं. तो हमें एक बात और भी याद रखनी है कि जब भी हम पोल टर्न करने जाते हैं तो हमें याद रखना है कि हमारा पैर या हाथ जो भी है वो सेंटर लाइन में ना चला जाए. अगर हम सेंटर लाइन में जाएंगे तो हमें फाउल मिलेगा और फाउल मिलेगा तो हमें फाउल क्लियर करना पड़ेगा तो हमारा जो टाइम है वो वेस्ट होगा. तो इसलिए हमें याद रखना है कि पोल टर्न करते समय हमारा पैर है वो सेंटर लाइन में ना जाए. हम जब पोल टर्न करते हैं तो यहाँ भी ध्यान रखना है कि हमारा जो पैर है वो सेंटर लाइन में ना जाए और जब हम घूमते हैं तब भी याद रखना है कि हमारा पैर सेंटर लाइन में ना जाए. जब भी हम यहाँ से पोल टर्न करते हैं तो पोल टर्न करते समय हमें हमारा टो पे टर्न करना है. टो पे टर्न करेंगे तो हम जल्दी से घूम सकेंगे और हमारा जो दूसरा पैर है वो सेंटर लाइन के बाहर रखना है ताकि हमें फाउल ना मिले. ओके, तो अब हम फास्ट पोल कैसे घूमते हैं वो हम देखेंगे. तो हमने पहले देखा कि हम धीरे धीरे जाएंगे और फिर तो पोल पे जाके हमारे टो पे घूमना है. तो हमने आज की जो एक्टिविटी देखी वो थी कूल टर्निंग. अभी हम कूल डाउन के बारे में जानते हैं. जैसे ही एक्टिविटी के पहले वार्म अप जरूरी है वैसे ही एक्टिविटी के बाद कूल डाउन जरूरी है. अगर हम कूल डाउन नहीं करेंगे तो हमारे जो भी मसल्स एक्टिविटी के दरमियान यूज हुए हैं वो हमें उसमें हमें पेन होगा. अगर हम वार्म अप करते हैं कूल डाउन करते हैं तो हम जो भी एक्टिविटी के दरमियान जो भी मसल्स यूज हुए हैं उसको हम रिलैक्स कर सकते हैं. कूल डाउन करने से हमने एक्टिविटी के दरमियान जो भी मसल्स यूज हुए हैं वो रिलैक्स होते हैं. तो जो भी मसल्स यूज हुए हैं वो रिलैक्स होते हैं. रिलैक्स होने की वजह से हमें उसमें पेन नहीं होता तो हम दूसरे दिन के लिए एक्टिविटी के लिए रेडी हो सकते हैं. और दूसरा ये है कि कूल डाउन करने से हमारी ब्रीथिंग नॉर्मल होती है और हमारी हार्ट रेट भी नॉर्मल होती है.